बॉर्डर से स्कॉटलैंड के बॉर्डर से एक मील के फासले पे हैं और इसके साथ ये फार्म हाउस है, सारा एरिया फार्म हाउसेस बने हुए हैं। नहीं नहीं आप ही ले रहे हैं ना सुबह मैं पार्किंग कहता हूँ। नहीं नहीं ये हॉर्सेस हैं। नहीं नहीं रहने के लिए मेरे ख्याल से हाँ दैट्स राइट। क्यों मैं क्यों उतर जाऊं, मन ठंड नहीं लग रही मुझे लगती दो अरे देखो दुम कैसे आ रहे हैं पीछे से। चुप रहोगे तो बकरे की आवाज आएगी। ये दो कैसे जा रहे हैं, मोटर चला रहे हैं।
जलंधर के करीब एक छोटी सी स्कॉटलैंड में ना ये बनी हुई आबादी सी बड़ी खूबसूरत सी छोटा सा गांव लग रहा है। स्कॉटलैंड के पास बिल्कुल ये इससे पहले कि मैं ये दिखाऊंगा ये देखें क्रैब पकड़ने के लिए इन्होंने नेट बनाए हुए हैं। इसको समंदर में फेंक देते हैं और इसके डिफरेंट रास्तों से क्रैब पकड़ते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से क्रैब भी हैं क्योंकि ये डिब्बों में से आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लग रहा है कि मछलियाँ ये क्रैब हैं। ये है जी समंदर का व्यू, बीच है बहुत खूबसूरत। ये जी एडिनबर्ग कोव का इलाका है, कोव का ये इलाका है और बहुत खूबसूरत बीच है और बहुत साफ पानी है, ऐसे बहुत खूबसूरत लग रहा है। और दूर दूर तक हद्दे निगाह तक आप देखें दूसरा किनारा तक नज़र नहीं आ रहा, बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये छोटा सा एक विलेज है जहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, मकामी लोग घर की तामीर कर रहे हैं। और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगता होगा। और वो सामने अगर आप देखें तो एक घर भी नज़र आएगा आपको, ये देखें उसकी छत नज़र आ रही है, बिल्कुल बीच के ऊपर बनाया हुआ किसी ने। जी आज है मार्च की 16 तारीख और हम लोग हैं एडिनब्रो या एडिनबर्ग के एक इलाके में जिसको क्लॉफ कहते हैं। ये बीच का व्यू है, बहुत खूबसूरत जगह है ये और ऑब्वियसली गर्मियों में और भी खूबसूरत होता होगा ये इलाका।